कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। दोस्तों यह पंक्तियां जानी मानी टीवी पत्रकार श्वेता सिंह पर बिल्कुल सटीक बैठती है। श्वेता सिंह मौजूदा समय में एक बड़े टीवी चैनल आज तक की पत्रकार हैं। श्वेता सिंह दो दिनों से सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल की जा रही हैं और यह ट्रोल एक वीडियो के द्वारा किया जा रहा है। कारण है कि आज तक के एक कार्यक्रम में श्वेता सिंह ने जिस बात को पहले काफी निंदनीय बताया था और वही बात जब सामने आ जाती है तो वह चुप्पी साध देती हैं, क्योंकि मामला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या मजाल कि वे चू तक कर सकें। श्वेता सिंह की यह चुप्पी ही ट्रोल का कारण बन रही है। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। आज तक के कार्यक्रम में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मौजूद थे। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि क्या चुनाव में शहीदों के नाम पर वोट मांगा जाना चाहिए। इस पर श्वेता सिंह ने कहा और नाराजगी व्यक्त किया कि शहीदों के नाम पर ना तो वोट मांगना चाहिए और ना ही शहीदों के नाम पर राजनीति की जानी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने मोबाइल निकाला और प्रधानमंत्री के भाषण का वीडियो सुनाने लगे। प्रधानमंत्री भाषण में कह रहे हैं कि पुलवामा में जो वीर शहीद हुए हैं उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या। आलोक शर्मा ने कहा कि श्वेता जी मैं आपको पूरा वीडियो भेज दूंगा, देख लीजिएगा, इत्मीनान से देख लीजिएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा यदि यही भाषण देने वाला प्रधानमंत्री कांग्रेस का होता तो हमें सड़कों पर नहीं चलने दिया जाता। इस पर कुछ देर तक श्वेता सिंह चुप्पी साधे रही। कुछ देर के बाद केवल इतना ही बोल पाई कि आप यह कुंठा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता कि डाट डाट डाट। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आज के समय में सभी पत्रकार गोदी एंकर के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज की पत्रकारिता कम की जा रही है और नौकरी ज्यादा की जा रही है। जिस किसी ने सच के लिए हिम्मत दिखाई उसे बाहर का रास्ता देखना पड़ा। श्वेता सिंह की भी कुछ ऐसी ही मजबूरियां रही होंगी। अब बिना अंदर की बात जाने किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्द लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। अमित तिवारी को इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।